आज का प्रातः क्लास है 1962। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। परमपिता शिव भगवान वाच बच्चों से सन्मुख पारलौकिक परमपिता परमात्मा ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। और फिर धर्मराज भी हूँ। पहले क्या हूँ? पहले प्यार का सागर बाप हूँ, फिर बाद में धर्मराज भी हूँ। क्योंकि तुम्हारे पाप और पुण्य का खाता मेरे पास है। कभी कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है, मेरा राइट हैंड है। अभी कहते हैं मैं हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा पाप पुण्य का खाता मेरे पास है, मैं धर्मराज भी हूँ। ये तो दो बातें हो गई। एक ही है। व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो एक ही है, पर्सनालिटी तो एक ही है, लेकिन उसमें बोलने वाली आत्माएं दो हैं। उनमें शिव बाप ही कहते हैं मैं प्यार का सागर भी हूँ, और फिर एक आकार होने के बाद जब बाप समान बच्चा तैयार हो जाता है, समानता हो जाती है, फिर कहते हैं कि मैं धर्मराज भी हूँ। तुम्हारी खाते में पुण्य बहुत देखने में तुमको बहुत अच्छा लगता है तो तुमको बहुत अच्छा जन्म देता हूँ। फल तो मैं ही देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पुण्य और पाप का कर्म हर एक आकर के भोगते हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म मिलता है। अभी सबकी कयामत का समय है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। पहले तो इस हिसाब किताब का पता ही नहीं था, कयामत के समय ही आकर के पुराने पापों का खाता बंद करवा करके 21 जन्म पुण्य का खाता बनवाते हैं। चौपड़ा सारा बुद्धि में रखा है तो प्राणी को वो चौपड़ा समझाया जाता है। प्राणी अर्थात प्राण को धारण करने वाली आत्मा, आत्मा को ही कहा जाता है। आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है। जैसे रूहानी बाप भी अविनाशी है। कहेंगे लौकिक बाप का तो शरीर चला जाता है, लौकिक बच्चों का भी शरीर चला जाता है, और ये आत्माओं का बाप तो इमॉर्टल है। तो रूहानी बाप के बच्चे आत्माएं भी इमॉर्टल है। अभी बाप कहते हैं सोच करो कितना जन्म पाप का खाता भरा है।
जिस पाप के खाते को चुकतू करने के लिए तुम बच्चों को हम योग सिखलाए रहे हैं। सिखलाने वाला मोस्ट बिलीवर्ड फादर है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मोस्ट बिलीवर्ड धर्मराज है, नहीं, धर्मराज तो पूरा दंड देने वाला है, बिलीवर्ड होने की तो बात ही नहीं, पूरा हिसाब किताब चुकतू करने वाला है। तो कहेंगे कि बाप कोई सजा नहीं दे सकते हैं। अभी खुद कहते हैं कि मैं सन्मुख आया हुआ हूं, तुम्हारा जो विकर्मों का खाता है वो चुकतू होना है, फिर तुम शुद्ध हो जाएंगे। जब तुम शुद्ध हो जाएंगे तो तुम बच्चों को राजबागी देता हूं। बाप का धर्म है बच्चों को सपूत बनाना, परंतु सभी तो सपूत नहीं होते हैं। लौकिक बाप के भी कोई बच्चे सपूत होते हैं, कोई कपूत भी होते हैं, कोई तो श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, परंतु श्रेष्ठ मत पर चलते कम हैं। जब बाबा के बने बोले बाबा हम आपके ही थे, आपने हमको सुख के संबंध में भेजा है 21 जन्म के लिए, फिर माया ने हमसे पाप कर्म करा लिया, अब यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है धर्मात्माओं पुण्य आत्माओं की दुनिया। सतयुग में बड़े से बड़ा धर्म क्या करते हैं, क्या बड़ी से बड़ी धारणा करते हैं, जो धर्मात्मा कहा जाता है, क्या सत्युग में बड़े से बड़ी धारणा क्या करते हैं जो धर्मात्मा कहा जाता है, आत्म की स्थिति में स्थित रहते हैं, स्वधर्म में स्थित रहना ही बड़े से बड़ा धर्मात्मापन है। ये पुण्यात्माओं की दुनिया है, बड़े से बड़ा पुण्य क्या हुआ, बड़े से बड़ा पाप क्या हुआ, पापों का बाप है देह अभिमान, देह अभिमान में रहना ये बड़े से बड़ा पाप, और फिर उल्टा आत्मा अभिमान में रहना बड़े से बड़ा पुण्य हो गया। और अभी तो जन्म जन्मांतर से पाप किए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जन्म के पाप हैं, तुम्हारे ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। क्या किसके ऊपर, जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। अभी मैं धर्मराज के रूप में कहता हूं, मैं तुम्हारे पापों का खाता चुकतू कराता हूं। कौन ये किसने कहा मैं तुम्हारे पापों का खाता चुकतू कराता हूं? बाप कहते हैं योग बल से मैं तुम्हारे खातों का वो पापों का खाता चुकतू कराता हूं। और धर्मराज के रूप में दंड देता हूं,
जब पाप का खाता चुकतू हो तब तुम आत्मा को उड़ने के लिए पंख मिले। क्या कहा है? पंख कब मिले? पापों का खाता चुकतू हो तो तुम आत्माओं को उड़ने के लिए पंख मिले। कौन से? ज्ञान और योग के पंख मिले। ज्ञान योग के पंखों से आत्मा ऊंची उड़ती है। अभी माया ने क्या किया? माया रावण क्या करता है? रामायण में गए ने जटायु के पंख काट दी। माया ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं। तो अभी ये पाप की दुनिया खत्म करने के लिए मैं आया हूँ। मैं आता ही हूँ पावन बनाने के लिए। तो अब गफलत मत करो। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में मैं एक ही बार आता हूँ। तो गफलत मत करो। मैं तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी सौगात लेकर आया। तो ऐसी अच्छी सौगात लेने के लिए लायक बनना चाहिए। और ये लॉटरी बहुत बड़ी है। हैं? इतनी बड़ी लॉटरी है कि इससे बड़ी लॉटरी 84 जन्मों में और किसी आत्मा को कभी मिलती ही नहीं। बाबा माया की जंजीरों से लिबरेट करने आए हैं। कहते हैं कि मैं लिबरेट तो सबको करूंगा। है? फिर अंतर क्या है? हैं? दंड देना। कोई धर्मराज से दंड खा करके लिबरेट होंगे और कोई मैं जो रास्ता बताता हूँ कहने से ही मान जावेंगे। बाकी लिबरेट तो सबको करूंगा। वो सजा खा करके लिबरेट होंगे कौन? जो बाबा के सन्मुख नहीं विमुख रहते हैं। विमुख होने की बातें करते हैं। विमुख करते हैं, विमुख कराते हैं। वो दुखी होकर के मरेंगे और तुम माने कौन? जो सन्मुख बाप के बैठने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल आराम से बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे। क्या? ऐसे नहीं कि कोई सजा खा करके हाय हाय करके दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे। कौन है? हाँ, तुम जो मेरी बात को सहज सहज मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो तुम आराम से बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे। तुमको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा क्या अब ये शरीर छोड़ देना है। इसे कोई ममत्व? कोई ममत्व नहीं। अभी ममत तो है या नहीं है? है? अभी शरीर से ममत तो है तो मौत से डर लगता है, है? तो भाई ऐसा साहस न करो जो कोई बिना मौत मार डाले।
असमय में इतना ही साहस करो, जो सांप मरे न लाठी टूटे, ऐसे सोचना पड़ता है। कोई ऋषि मुनि जो अच्छे योगी होते हैं, उनों को भी पहले से ही पता पड़ जाता है, है? ऋषि मुनि अच्छे योगी होते हैं। ऋषि मुनियों को क्या भगवान का ज्ञान होता है? नहीं। फिर अच्छे योगी कैसे हो गए? हैं? कहाँ की बात? हाँ, संगम युग के ऋषि मुनियों की बात है। ऋषि माने पवित्र और मुनि माने, अरे मन का उपयोग करें सो मुनि, मन चिंतन मंथन करने वाले मुनि हो गए, कपिल मुनि कहा जाता है, है? हाँ, ऋषि भी होते हैं, पवित्र रहने वाले होते हैं। वशिष्ठ को क्या कहेंगे? हैं? मुनि कहेंगे कि ऋषि कहेंगे? ऋषि। तो पवित्र आत्मा है, पवित्रता का जो विशेष पुरुषार्थ करने वाली है, कौन सी माला की विशेष मणके बनते हैं? हैं? अरे जो ऋषि हैं वो विजय माला के मणके बनते हैं, और मुनि मनन चिंतन मंथन करने वाले कौन सी माला के मणके होते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते हैं। तो ऋषि मुनि जो हैं, उनको भी पहले से पता पड़ जाता है। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन रजोगुणी सन्यासियों का सन्यास है रजोगुणी, और तुम्हारा सन्यास है सतोगुणी। जानते हैं कि भविष्य में हम ऐसे बैठे जैसे ही छोड़ देंगे। बाबा ने सर्प का मिसाल दिया, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। तो बड़े बड़े जो योगी होते हैं, उन्हों को भी पहले से पता पड़ जाता है कि ये तमोगुणी शरीर अब छोड़ देना है, क्योंकि वहां वो नई दुनिया में तो बहुत अच्छे अच्छे शरीर रहते हैं। बाल युवा वृद्ध स्टेजेस भले आती हैं, फिर भी शरीरों की कमनीयता सुंदरता कोई कम नहीं होती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना होता है। एक मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, क्या मोहजीत? कौन सा मोहजीत राजा की कथा होती है? अरे कहते हैं सत्ययुग में एक मोहजीत राजा था, क्या नाम था? सबने सुना है उसका, हरिश्चंद्र राजा। तो वहां कब दुख नहीं होता है? जब शरीर की अवस्था पूरी होती है, साक्षात्कार होता है, तो एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेते हैं। इसको कहा जाता है माया अथवा काल पर जीत। बाबा खुद कहते हैं कि मैं कालों का काल हूं, तुमको काल पर भी जीत पहनाने वाला हूं। शरीर तो जरूर छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर की भी चार अवस्थाएं आती हैं, सतयुग में सतोप्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान, और अब कलयुग में तमो प्रधान शरीर मिलता है। जैसे मनुष्य जीवन में चार अवस्थाएं होती हैं शरीर की, बचपन में सतो प्रधान शरीर कैसा होता है बच्चे का? सात्विक होता है। फिर सतो सामान्य,
शैशवावस्था पार करता है, बाल्यावस्था आती है, तो सामान्य कहेंगे। फिर रजो प्रदान शुरू हुआ और विकारों की शुरुआत हो जाती, जवानी बढ़ी पूरा रजो प्रधान हो जाता है, बुढ़ापे में तमो प्रधान, बहुत तमो प्रधान, मन भी तमो प्रधान और तन भी तमो प्रधान। तो शरीर की भी सतो रजो तमो स्टेजेस आती हैं, ऐसे नहीं कि शरीर को रख देंगे, दुनिया को पुराना तो हो नहीं है, पुरानी दुनिया को बूढ़ी दुनिया कहेंगे। आजकल की दुनिया कैसी है, है? है? बूढ़ी दुनिया है। बुरशी मुनि विद्वान शास्त्रवादी क्या कहते हैं कि आज की दुनिया कैसी है, सत्युग अभी सत्युग तो है नहीं, कलयुग है, लेकिन कलयुग अभी बच्चा है या बूढ़ा है? हम कहते हैं बूढ़ा है, लेकिन वो क्या कहते हैं? बच्चा, सत्युग तो अभी बच्चा है। सतयुग में एकदम जैसे बच्चे होते हो, छोटा बच्चा तो जरूर पवित्र ही होता है, तो पवित्र नई दुनिया की बाल्यावस्था होती है। उसको सतयुग नई दुनिया कहा जाता है। 1962 की मुरली का दूसरा पेज, बाबा आकर के नई दुनिया को जन्म दे, पुरानी दुनिया खलास कर देते हैं। सतयुग है सतो प्रधान नई दुनिया, कलयुग है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। सतयुग को कहते हैं भी क्या, क्या कहते हैं? और कलयुग को क्या कहते हैं? है नहीं, है बिन, बिन माने जीत, और है माने जहाँ जीत लिया वो है सतयुग, और जहाँ हार गए सब कुछ, तन भी हार गए, मन भी हार गए, और धन भी, आज पता नहीं आज कितना भी धन है पे हाथ में, और कल, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो धन भी हार गए। तो आज है बिन, आज जीत है तो सतयुग है, और कल वो है कलयुग, कल का कुछ पता नहीं रहता। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को हेविन ले चलने आया हूँ, जहाँ तुम हर बात में जीत ही जीत में रहेंगे। क्या हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ जीत में, बल घर में रहते हो, ज्ञान सुनते रहो, स्त्री को पति को, पति स्त्री को, बच्चों को ज्ञान सुनाते रहो, तब ही घर स्वर्ग बनेगा। अभी बाबा हमको गुलगुल बनाए रहे हैं, वो गुलगुल बनाने वाला बाबा मोस्ट बिलीव्ड बाप है, वो गॉड फादर है, वो एक ही सबका बाप है, सारी दुनिया का बीज एक ही है और उनका झाड़ भी एक ही है। यदि अनेक बीज होते हैं तो अनेक झाड़ भी होते हैं। यहां इस सारी दुनिया का बीज एक ही क्रिएटर है। अभी बाप कहते हैं अभी ये दुनिया खलास होनी है, इसलिए आप मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो, वहां होगी तुम्हारे लिए सदा सुख की प्रारंभ, दुख की बात ही नहीं होगी। तो सदा सुख देने वाला वो बाप
तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है और धर्मराज भी तो है। ये बात बुद्धि में आनी चाहिए कि अभी हमको मोस्ट बिलीवर्ड बाप गोद में ले रहे हैं, मोस्ट बिलीवर्ड टीचर पढ़ाते हैं, मोस्ट बिलीवर्ड सदगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। अभी तुम सब इतने बच्चे बने हो, इन बच्चों का बाप कहा जाता है प्रजापिता। कुमार कुमारी की तो बात ही नहीं, पिता है। कुमार को कैसे इतने बच्चे वरानियां होंगी। बाबा कहते हैं बच्चे 5-4 वर्ष पहले भी हमने तुमको राजयोग सिखलाया था, ज्ञान सिखलाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था और अभी फिर से प्रैक्टिकल में बनाए रहा हूं। क्या कहा, क्या बनाए रहा हूं हैं? कोई बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना के चला जाता हूं फिर तुम अपने आप मालिक बनते रहते हो। नहीं, मैं तुमको प्रैक्टिकल में मालिक बना रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि बनने वाले भी प्रैक्टिकल में और बनाने वाला भी प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल माने क्या? हाँ, साकार में होना चाहिए। दूसरा कोई ऐसे कह ही नहीं सकता कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कोई बड़े से बड़ा धर्म पिता हो, ये करिश्मा कोई भी धर्म पिता ने करके दिखाया क्या? नहीं। हर एक धर्म में महत्वाकांक्षी तो हुए बड़े बड़े, लेकिन विश्व की बादशाही तो किसी को प्राप्त नहीं हुई। सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज किसी को पता ही नहीं है। तो विश्व का मालिक बनावेंगे कैसे? रचयिता ही मनुष्य सृष्टि का बीज है और वो बीज जो क्रिएटर की स्टेज पर पहुंचता है, रचयिता बनता है नई सृष्टि का, वो निराकारी स्टेज वाला है या साकारी है? कैसे? वो जरूर निराकारी स्टेज वाला चाहिए। जो साकारी स्टेज वाला है, देह अभिमानी है, देह धारण करने वाला है मन बुद्धि से, वो विश्व का मालिक नहीं बना सकता और क्रिएटर भी नहीं हो सकता। वो बाप कहते हैं तुम्हारे से बहुत पाप हुए हैं, तब है तुम्हारे से बहुत पाप कब हुए हैं? देहबान है, हाँ, द्वापर युग से जब तुम द्वैतवादी बन पड़े, एक की मत पर न चल करके क्या किया, अनेकों की मत पर चल पड़े, तो तुमने बहुत पाप किए। अभी मैं आया हुआ हूं, अभी हमारा बन करके बरसा लो, अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर वर्षा लेते रहेंगे, अभी नहीं लेंगे तो कल्प कल्पांतर का घाटा हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़, मुझे एक संग जोड़ो। द्वापर से क्या किया है? द्वापर से जो भी आत्माएं हैं वो क्या करती आई? एक से बुद्धि योग तोड़ दिया और अनेकों के साथ जोड़ती चली आई। तो नीचे गिरती चली आई या ऊपर उठी? नीचे नीचे गिरती चली आई।
अंदर में आना चाहिए, बाबा आप कितने मीठे हो, आपसे हम आदि मध्यंत का राज समझ करके नालिश फुल बन गए, अब हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, हम भी अब पवित्र बनने से इक्कीस जन्म का सदा पवित्रता का वर्षा लेंगे, सदा पवित्र रहेंगे, आप सुख के सागर हो हम भी सुखी रहेंगे, हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए बड़ी लॉटरी लेकर के आया, तुम अगर हेल्दी वेल्दी बन जावेंगे, भारत ऐसा हैवर हेल्दी वेल्दी था, कैसा कैसा ऐसा कहते थे, किस तरफ इशारा करते थे, लक्ष्मी नारायण, हाँ नारायण की तरफ इशारा करते थे, ऐसा तुम हेल्दी वेल्दी बन जावेंगे। उस दुनिया को कोई बहिष्ट कहते हैं, कोई हेवन कहते हैं, कोई स्वर्ग कहते हैं, तो मीठी चीज है ना, है जीत अच्छी लगती है या हार अच्छी लगती है, जीत मीठी चीज है और हार मुंह कड़वा हो जाता है, तो कोई हेवन कहते हैं, अभी तो ये दुनिया नरक है, क्या क्या है, क्यों नहीं, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जितने मनुष्य हैं उतनी उनकी मते हैं, और सब मनुष्य से वो हम कह के बैठ गए तो कितनी मते हो गई, अनेक मतें होंगी तो स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा, तो ये दुनिया नरक बन गई, नर ने जो कुछ बनाया वो क्या बनाया, नरक बना दिया। अब तुम स्वस्थिति में टिको तो क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, बाबा स्वर्ग जाने का पुरुषार्थ कराए जाएंगे, तुम जानते हो कि स्वर्ग में कितने जन्म होंगे, अभी नरक मुर्दाबाद होना है, क्या क्या होना है, मुर्दाबाद होना है, माने ये नरक मुर्दा बन जाएगा और स्वर्ग जिंदा हो जाएगा, अभी क्या है, अभी इस दुनिया में स्वर्ग जिंदा कहीं नहीं दिखाई पड़ता, लोग कहते हैं धनी मानी बड़े बड़े साहूकार के हम कहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, फिर जब बीमारी आती है तो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए कराए रहे तब क्या कहते हैं, नरक है कि स्वर्ग है हॉस्पिटल में, तो ऐसे बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, ऐसे बाप से जो नरक को मुर्दाबाद और स्वर्ग को जिंदाबाद कर देते हैं, झोली भरनी चाहिए इस बात में, बिल्कुल गफलत नहीं करनी चाहिए, क्या गफलत करते हैं बच्चे हैं? अरे झोली भरने में क्या गफलत करते हैं, ना रेगुलर रहते हैं और ना पंक्चुअल रहते हैं, ना टाइम से क्लास में आवेंगे न टाइम से क्लास में जावेंगे, पहले से उठ के भाग जाते न रोज आवेंगे, कभी आए 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 ना आए। ना आए तो कोई आ जाए, बाप कहते हैं इस बात में कभी गफलत नहीं करनी चाहिए, और इसमें चाहिए संग, किसका कौन से संग का गायन है, शास्त्रों में भक्ति मार्ग में भी संघ का बहुत गायन है, सत्य संघ का गायन, लेकिन बेचारे जानते ही नहीं कि सत्य है कौन, कौन है सत्य इस दुनिया में, तो झूठ खंड की दुनिया में सब झूठ है, झूठे हैं, सत्य संघ कहाँ से आया,
तो बाप कहते हैं मैं ही सत्य हूँ, सत्य चित्त आनंद घन हूँ। तो यहाँ बाप पढ़ाते हैं, जो सत्य टीचर है, सत्य बाप, सत्य गुरु है, बाहर जाने से माया का संग हो जाता है। क्या करें, बाहर जाना बंद कर दें क्या? हैं? बाहर जाना बंद कर दें? नहीं, बाहर जाते रहें। बाबू जी, बाहर जाने से माया का संग हो जाता है, यहाँ रहने से सत्य संग है, तो क्या करें, जाएं या ना जाएं बाहर? हैं? जाना पड़ता है। हैं? जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, क्यों? बैठ जाएंगे तो उठा के फेंक दे क्या? हैं? काहे भी नहीं फेंक देंगे। बाबा ने कहा गीता पाठशाला को मिनी मदन बना देंगे। गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जो क्या बन जाए, मिनी मदन बन जाए। तो मिनी मदन में क्या असलम नहीं मिलेगा बच्चों को? दाना पानी नहीं देंगे? है? है? बाप आया हुआ तो जरूर देना पड़े। खीर पूरी नहीं खिलाएंगे, खिचड़ी है और जगन्नाथ भंडारे में क्या खिलाया जाता है? है? चावल और कढ़ी तो खिलाए देंगे। तो पुरुषार्थ तो जरूर अच्छा चाहिए। पेट को क्या चाहिए? है? पेट तो दो रोटी मांगता है पाव भरन। तो बाहर जाने से माया का संग हो जाता है। माया गुप्त बड़ा धोखा देती है। क्या बाप भी गुप्त है और माया भी गुप्त है? बाप भी नहीं पता चलता कि बाप है, भगवान है कि शैतान है। घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय आता रहता है। और माया भी बड़ी हरखण है। अभी पता चलता है कि ये तो माया का रूप है, और अभी पता चलता है माया नहीं हम ही ठीक है, यह दुनिया भी ठीक है। तो जब तक पक्का निश्चय ने बुद्धि नहीं हुआ है, तब तक क्या चाहिए? संग चाहिए, कुसंग चाहिए? क्या कहा? कब तक सत्य का संग चाहिए? हैं? नहीं, अंत तक नहीं। तब तक सत्य का संग चाहिए जब तक पक्का निश्चय बुद्धि नहीं हुआ है। जब पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए, कोई माया रावण हमको हिलाए न सके, उल्टी सीधी बातें करके, उल्टी सीधी एक्ट करके कोई भी न हिला सके, पक्का हो जाए। क्या पक्का हो जाए? कि पाना था सो पा लिया, हमको बाप भगवान मिल गया, इसे निश्चय को कोई टाल न सके, तो भले दुनिया में कहीं भी घूमो, बाहर घूमो फिरो, खूब सेवा करो, फिर किसी का संग का रंग लगेगा ही नहीं। कोई थोड़ा बहुत सुनते भी हैं, क्या कहा, रोज नहीं सुनते हैं, रेगुलर नहीं सुनते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, तो फिर उनको क्या प्राप्ति होगी? थोड़ा बहुत सुनने वालों को क्या प्राप्ति होगी? प्रजा में चले जाएंगे। अब प्रजा वर्ग वालों को हीरे मोती सोने चांदी के महल तो नहीं मिल जाएंगे। अच्छा, सत्युग में सोने के महल होते हैं क्या? हाँ, मेटल में जिंदगी पनपेगी? है नहीं? तो क्या मतलब है सोने के महल का? है महल माने क्या? संगठन। महल माने किला, संगठन रूपी किला। ऐसी आत्माओं के बीच में रहेंगे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, श्रेष्ठ आत्माओं के किले के अंदर रहेंगे। प्रजावर की आत्माओं को ऐसा किला थोड़े ही मिलेगा। तो जो बाबा का सपूत बच्चा बन सर्विस करते रहेंगे,
शरीर निर्वाह धंधा भी करते रहेंगे वो फिर पक्का वारिस बन सकते हैं। क्या कहा है? पक्का वारिस कौन बनेंगे? सरेंडर होने वाले बनेंगे या धंधा धोरी भी करते रहे शरीर निर्वाह और पुरुषार्थ भी करते रहे सपूत बच्चे बने वो पक्के वारिस बनेंगे? सरेंडर होने वाले, सरेंडर हो गए और कंधे पर चढ़ के बैठ गए और सोते रहे खाते रहे सेवा लेते रहे तो मन बुद्धि से क्या करें? मन बुद्धि से मन बुद्धि से बाबा को सदा याद करते रहे वो तो ठीक है। तुम्हारा ये है सतो प्रधान संन्यास, उनका है रजो प्रधान संन्यास, परंतु इस समय तो सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। किस समय हरिदेव जी वाणी चल रही है? कब? 62। इस समय सबकी तमो प्रधान बुद्धि है, सतो से गिरते गिरते अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। कब होता है अंत? जब तमो प्रधान हो जाते हैं कलयुग। हाँ तो कब? ये तो 62 की बात बताई। इस समय तो सबकी तमो प्रधान बुद्धि है, सतो से गिरते गिरते अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। तो कब तमो प्रधान हो जाते हैं? 76 से पहले सब तमो प्रधान हो जाते हैं। जो सारे झाड़ का बीज है वो भी तमो प्रधान हो जाता होगा या सतो प्रधान रहता होगा? वो भी तमो प्रधान हो जाता। बल कितने भी जप तप किए हों, तीर्थ आदि किए हों, करते करते और ही कलयुग तमो प्रधान बन पड़ा। सृष्टि को तमो प्रधान तो बनना ही। बाबा ने कहा यह करने से मेरे से कोई नहीं मिलता है। क्या करने से? जब तप तीर्थ आदि करने से मेरे से कोई नहीं मिलता है, फिर काई से मिलता है? भक्ति करने से नहीं मिलता है तो काई से मिलता है? है? भक्ति करने से क्या मिलता है? मैं मिलता हूं कि ज्ञान मिलता है? ज्ञान मिलता है। फिर ज्ञान में गहरे जाने से भगवान मिलता है, नहीं तो मिला? थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया, दो चार ने कह दिया भगवान आया हुआ है, निश्चय बुद्धि थोड़े हुए, फिर दूसरे ने हिला दिया तो क्या हो जाता है? भगवान उड़ जाता है। मिला न मिला बराबर हो गया। तो बाप कहते हैं अंत में मैं ही आकर के सबको ले जाता हूं। क्या अपने आप कोई नहीं जाते हैं, मुझको खुद ही आकर के ले जाना पड़ता है। हाँ सन्मुख कोई बिरले ही आते हैं। 500-700 करोड़ की दुनिया है, तो 500-700 करोड़ की दुनिया में कितने हैं जो सन्मुख आते हैं? 4.5। वो तो बिरले हो गए, अभी नहीं आ सकते। कहाँ नहीं आ सकते? अभी इतने सब 4.5 लाख अभी सन्मुख नहीं आ सकते। क्यों? अभी क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अभी माया अपोजिशन बहुत कर रही है, अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि को अनिश्चय बुद्धि बना देती है। हाँ आगे चल करके भी कल पहले वाले ही सन्मुख आवेंगे। अभी तो धर्मराज खुद बैठे हैं, कहते हैं मेरे पास आकर के फिर भी तुम पाप करेंगे तो तुम्हारी खाल उतारूंगा। कुछ जानवर हो जो खाल उतारूंगा? धर्मराज कहते जानवर नहीं है तो बार बार पाप क्यों करते हो?
इतना मना करता हूँ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे चलो वैसे चलो, जानवर की बुद्धि में बैठेगा ज्ञान या मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? तो क्या बन गए? जानवर बन गए। तो क्या करूँगा? जानवरों की क्या उतारी जाती है? खाल उतारी जाती है। बहुत कड़ी सजा दूंगा। देह अभिमानी की खाल उतारेंगे या स्थूल खाल उतारेंगे? है उसी समय फील करेंगे कि अभी हम जन्म जन्मांतर की सजाएं भोग रहे। धर्मराज बाबा कहते हैं, जबकि मैं धर्म का राज्य स्थापन करता हूं तो बच्चों को धर्मात्मा बन पूरी मदद करनी चाहिए। क्या हा? क्या करना चाहिए? धर्मात्मा बन। धर्मात्मा कैसे बना जाता है? आत्मिक स्थिति में रहें तो धर्मात्मा बने। बड़े से बड़ा धर्म क्या है? स्वस्थिति में रहना। जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूं तो तुम भले कहां भी रहो, मेरे डायरेक्शन पर चलते रहो। अपना चार्ट रखो, अपनी कचहरी करो, एक 1962 की वाणी का तीसरा पेज। सारे दिन में कितने पाप इन कर्म इंद्रियों से किए हैं वो सारा हिसाब निकालो। माना शाम को सोते सोते समय अपना चार्ट 2-4 मिनट बैठ लिखना चाहिए। मनसा में तो बहुत संकल्प आवेंगे, वो लिखने की दरकार नहीं है, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। कंपेनियन बल रखो उन्नति के लिए, परंतु विकार में नहीं गिरना है। क्या है? कोई कुमार है, कोई कुमारी को कंपेनियन बना के रख ले तो बाबा की श्रीमत है या नहीं है? नहीं है। ये क्या बात कह दी? अभी तो बाबा कह रहे हैं कंपेनियन भल रखो परंतु उन्नति के लिए, विकार में नहीं गिरना है, अधोगति में जाने के लिए नहीं रखना है। एग्रीमेंट कर लो। कंपेनियन बनाते समय क्या एग्रीमेंट करो? है कि विकार में नहीं जावेंगे। अच्छा, निश्चय पत्र भरा लें। निश्चय पत्र भरा लें, एफिडेविट लिखवा लें, नोटरी कराएं। कुमार क्या करें? अरे 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 कुछ नहीं बोलते। अरे बाबा ने क्या परमिशन दी? कंपेनियन। हाँ, लेकिन बल लगा दिया है। तुम्हारी ज्यादा बुद्धि लुपुर लुपुर करती हो। तो बल रखो, जैसे कह देते हैं बल कर घर घर व्यवहार में रहो। बल कर दिया ना तो बल रखो, उन्नति के लिए रखो, विकार में नहीं गिरना। पॉइजन की लेन देन से मनुष्य रोगी और भोगी बनते हैं। जो योगी है वो निरोगी रहते हैं, भोगी है तो क्या बनते हैं? तो रोगी बनते हैं। सचमुच में रोग अस्पताल आदि होते ही नहीं है। जबकि निश्चय है बाबा ऐसे वैकुंठ का मालिक बनाते हैं तो क्या करना चाहिए? कूदना चाहिए। बहुत खुशी आ जाती है तो क्या करते हैं? जैसे आजकल क्रिकेट का मैच होता है ना, क्रिकेट के मैच में
कोई देशवासियों की जीत हो जाती है तो क्या करने लग पड़ते हैं, हैं? खुश होके कूदने लग पड़ते हैं। तो कूदना चाहिए, गरीब को साहूकार की गोद मिले तो बड़ी खुशी से लेगा ना। तो वेद के बाप की गोद भी क्यों न लेंगे, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि सबको यहां बैठ जाना है, न बैठने देंगे न बाहर जाने देंगे, करें क्या हा? बाबा कहते हैं डायरेक्शन लेकर के फिर और को स्वर्गवासी बनाने के लिए पुरुषार्थ करते रहो, ये है ऊंची तो ऊंची धंधा पतित को पावन बनाने का। वो लोग खुद ही पतित हैं तो पावन बना ही नहीं सकते, बाप का बनकर पूरा जो फॉलो करते हैं उनको ही सपूत बच्चा कहा जाता है। क्या सपूत और कपूत की डेफिनेशन बता दी, क्या बताई? बाप का बनकर के आधी श्रीमत पर चले आधी पर न चले तो क्या कहेंगे, कौन सा बच्चा? कपूत बच्चा। आधी मनमत पर चले आधी मनुष्य मत पर चले आधी शिव बाबा की मत माने, वो भी दूसरों के सामने बगाड़ने के लिए, तो कहेंगे कपूत बच्चा। और पूरी श्रीमत पर चले न, मनमत पर चले न और मनुष्यों की मत पर चले तो कौन सा बच्चा? सपूत बच्चा। एक कार मम्मा बाबा कहा, एक बार मम्मा बाबा कहा तो फिर धर्म प्रिय है, धर्म नहीं छोड़िए। धर्म अगर प्रिय है तो भले धरने पे गिर जाए, क्या धर्म के लिए, धर्म की लड़ाई होती है, धर्म युद्ध होता है ना, तो धर्म युद्ध में धर्म युद्ध करते करते भले धरनी पर गिर जाए तो भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए गायन है धर्त परिय पर धर्म न छोड़िए, ऐसा धर्म प्रिय होना चाहिए। ब्रह्मा के बच्चे बने तो ब्राह्मण कुल के हो गए, तो धर्त प्रिय धर्त परिय ये ऊंच से ऊंचे धर्म न छोड़िए। इस धर्म से ही ऊंचते ऊंच देवी देवता पद मिलेगा, नहीं तो कोई को मिल भी नहीं सकता। अगर अपना धर्म छोड़ दिया, ईश्वर जो धारणा सिखाते हैं उस धारणाओं को छोड़ करके अन्य धर्म पिताओं की सिखाई हुई धारणाओं पर चल पड़े तो फिर स्वर्ग नसीब नहीं होगा। ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच कुल, जिन्होंने धर्म को छोड़ा है तो धरती पर गिर पड़े। कहा गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े, एकदम चट खाते में गिरे, इरिलीजियस अनराइटियस इंसॉल्वेंट बन गए जब से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए, जब से अपने धर्म को छोड़ा। कितनों ने छोड़ा है, जो रिलीजियस अनराइटियस इंसॉल्वेंट बन पड़े, कितनों ने छोड़ा होगा? अरे है सभी थोड़े कन्वर्ट होने वालों की बात की, तो कितने कन्वर्ट हुए होंगे? 10 करोड़ है, 32,96,00,000 कि 95,50,00,000 कितने? 33 करोड़ देवी देवता धर्म के हैं, सभी कन्वर्ट हो जाते हैं ना। 4,50,00,000 ऐसे हैं जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, देवी देवता सनातन धर्म के थुर पे हैं, जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहते। गांधी ने जब से राज्य लिया है
तब से ही बाद में धर्म छोड़ा है गांधी जी का डब्बा खोलकर। गांधी जी ने जब से राज्य लिया है तब से बाद में धर्म छोड़ा है, तो निमित्त कौन बन गया है? ज्यादा धर्म छोड़ने वाले जो बने वो कब से बने? जब से गांधी जी ने राज्य लिया, कब से लिया? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी जी के पास राज्य कब से आया? 47 से। बेहद के गांधी कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा के हाथ में जब से राज्य आया ब्राह्मणों की दुनिया का, तब से डब्बा बोल हुआ। जब से राज्य लिया तब से धर्म छोड़ दिया, बहुतों ने छोड़ा, तो धरती पर गिर पड़ते क्या? इसका आश्रय ले लेते हैं। पहले आकाशी थे, ऊंची स्टेज में थे या नीची स्टेज में थे? ऊंची स्टेज में थे, फिर कहां गिर पड़े? धरती की गोद में आ गए। धरती किसे कहा जाता है? है? तो क्या खराब बात है क्या? धरती तो माता है, है? माता की गोद अच्छी होती है खराब होती है? अच्छी होती है। फिर आकाश बाप कहा जाता है, धरती माता कही जाती है, तो धरती की गोद में रहना अच्छा या आकाशी बन के रहना अच्छा? है दोनों में रहे, आधा ये आधा वो तो होता ही है। 21 जन्म स्वर्ग में रहते हैं आधा कल्प, और आधा कल्प नरक में रहते हैं। धरती कहा जाता है तब जब धरती माता चौड़ी होती है। सत्ययुग त्रेता में तो कन्या थी, सारी धरती तो नहीं थी। धरती अधूरी थी या पूरी थी? अधूरी थी। द्वापर के बाद वो त्रेता के बाद फिर धरती नाम पड़ता है, सारी धरती। तो देखो धरती पर गिरते हैं तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। पहले भीख नहीं मांगते थे, क्या कहा? ये भीख मांगना कब से शुरू हुआ? भारतवर्ष में भिखारियों की संख्या कब से बढ़ी है? अंग्रेजों के राज्य में भिखारियों की संख्या ज्यादा थी, जब अंग्रेज चले गए फिर भिखारियों की संख्या ज्यादा बढ़ी? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद भिखारियों की संख्या बढ़ गई। तो निमित्त कौन बना? हाँ अंग्रेज नहीं निमित्त बने। अंग्रेजों के जमाने में तो इतने भिखारी थे ही नहीं। जब गांधी जी आए, गांधी जी के हाथ में राज्य आया, तब से भिखारी बन गए। पहले नहीं भीख मांगते थे, अभी तो भीख मांगते रहते हैं क्योंकि धर्म को छोड़ दिया है। क्या कहा? क्या बन गए? कौन सा राज्य बन गया? धर्म निरपेक्ष राज्य हो गया। धर्म को छोड़ने से धरती पर गिर जाते हैं। ये भी लिखना चाहिए, बाबा आकर के बच्चों को फिर से धर्मवान रिलीजियस बनाते हैं। तो रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट बच्चों को धारण करने क्या बुद्धि में धारणा रहनी चाहिए। बहुत से नए नए पॉइंट बता दिए आज, ये भी पॉइंट लिखनी है। यहाँ बहुत संभाल रखनी है। भाई बहन बने तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा खानी पड़ेगी। भगवान से प्रतिज्ञा कर फिर कहाँ भूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा ओम शांति।